दोस्तों, मैं हूं एनके मास्टर और आप देख रहे हैं एनके चैनल यूट्यूब पे। पिछले वीडियो में मैंने A1837 ट्रांजिस्टर को दिखाया था, जो PNP ट्रांजिस्टर था, और ये आज का ट्रांजिस्टर उसी का पेयर है, उसी का जोड़ा जो NPN है, और इसका नंबर है 2SC4793 यानी C4793। तो इन दोनों ट्रांजिस्टर का जोड़ा बनता है, ड्राइवर के लिए इनका यूज़ किया जाता है डीजे एम्पलीफायर में। और ये है C4793 ट्रांजिस्टर, इसको हम इसी डिजिटल मल्टीमीटर से चेक करेंगे, इसकी इम्पीडेंस वैल्यू बेस टू कलेक्टर बेस टू एमिटर क्या होती है। अगर आपका ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया हो तो आप इसे देख सकते हैं, इससे हेल्प ले सकते हैं। इसमें भी बाईं तरफ से बेस, फिर बीच में है कलेक्टर, और फिर लास्ट में है एमिटर, यानी बेस कलेक्टर एमिटर। तो ये NPN है, तो इसमें हम रेड प्रॉब को बेस पे रखेंगे और एमिटर पे लगा के चेक करते हैं। पहले 650 ओम्स के आसपास इसकी कंटिन्यूटी है, और अब चेक करते हैं कलेक्टर पे, बेस टू कलेक्टर। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं 645-46 के आसपास शो कर रहा है, ये ठीक ट्रांजिस्टर है। और अब प्रोब को बदल लेते हैं, अब ब्लैक वाली को बेस पे लगाते हैं, और ऐसा करने से चलना नहीं चाहिए, कुछ नहीं शो करना चाहिए, ना बेस टू कलेक्टर ना बेस टू एमीटर। तो आप देख रहे हैं कोई कंटिन्यूटी नहीं है इसमें। और अब कलेक्टर टू एमीटर भी चेक कर लेते हैं, एक को लगाएंगे कलेक्टर पे और एक को एमीटर पे, कुछ नहीं शो करना चाहिए। और अगर इन प्रॉब को आपस में बदल दें तो भी कुछ नहीं शो करना चाहिए। अभी ये बेस पे लगाया था तो शो किया था, क्योंकि ये रेड प्रॉब को बेस पे लगा के शो करना चाहिए, लेकिन इसको कलेक्टर पे लगा के अगर चेक करता हूँ तो कुछ नहीं शो करता है। तो हमारे पास दो ट्रांजिस्टर और हैं, एक दो जो देखने में ख़राब और पुराने हैं, पर वो ट्रांजिस्टर भी सही हैं, मैं उनको भी आपको चेक करा देता हूँ। ये भी सही ट्रांजिस्टर है, लेकिन पहले ब्लैक प्रोब से चेक करेंगे, कुछ नहीं बताएगा। और अब रेड प्रोब से चेक करते हैं इसके कलेक्टर टू एमीटर, तो कुछ नहीं बताएगा, लेकिन जब इसको बेस पे लगाएंगे तो बताएगा। रेड प्रोब को बेस पे लगा के तो आप देख रहे हैं ये भी सही बता रहा है। इसी तरह हमारे पास एक ट्रांजिस्टर और है इसके अलावा भी, ये आप देख रहे हैं C4793। तो एक ट्रांजिस्टर और है, देखने में काफ़ी ख़राब लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब ये फटा हुआ या ख़राब है, लेकिन इसकी टेस्टिंग भी बिल्कुल सही है। तो आप इस तरह टेस्ट करके पता कर सकते हैं आपके पास जो ट्रांजिस्टर पड़े हैं वो सही हैं, ख़राब हैं जो पुराने हैं। तो आप देखिए ये भी सही बता रहा है। बेस टू कलेक्टर और बेस टू एमीटर, और ये कलेक्टर टू एमीटर कुछ नहीं बताएगा। ये ट्रांजिस्टर भी बिल्कुल सही है। तो 5200 का जोड़ा 1943 होता है, और इसका जोड़ा जो A1837 है, इसका जोड़ा होता है C4793। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर को मैंने आपको दिखाया, और अब अगली वीडियो में किसी और ट्रांजिस्टर को चेक कराएंगे। तो ये भी सही था। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और पार्ट्स या ट्रांजिस्टर के साथ। नमस्कार।